अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ की चिक्की मूंगफली की। इसी तरह तिल की भी बनाना चाहे बन जाएगी, और आप उसकी चनों की भी बनाएं तो बन जाएगी। तो मैं आज मूंगफली है तो ये इसकी बनाती हूँ। तो जो ये मूंगफली है उसके लिए मुझे ये मैंने लिया, 1 पाव मूंगफली है और 1 पाव ही गुड़ है। तो ये 1 चम्मच घी है और ये मीठा सोडा है। तो उसके लिए ये है कि ये मूंगफली वैसे तो भुनी हुई है लेकिन ये काफ़ी दिनों से ला के रखी हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लूँगी। तो इसका छिलका उतार के तो फिर मैं इसके सही कर ठीक करूँगी। तो उसके बाद ये गुड़ है इसके कूट के तो इसको फिर बनाती हूँ। तो आगे कैसे बनाना है ये मैं बताती हूँ। ज़रा मूँगफली छील लूँ, मैं भून लूँ तो फिर छीलती हूँ। बस ये चूल्हे पर रख के ना ऐसे 5-10 मिनट बस भूनूंगी मैं, जरा भूनने से ये क्रिस्पी हो जाएगी। फिर 5 मिनट भूनती हूँ तो फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ छील के, तो फिर गुड़ डाल के तब भी बनाती हूँ। ये ना मैंने भून लिया, अब ये नरम सी हो गई। अब थोड़ी देर के लिए इसको पड़ा रहने देंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगी, तो इसके छिलके जो है ना बड़े आराम से उतर जाएंगे। अब ये मैं इसके छिलके उतारती हूँ तो उसके बाद मैं अलहदा कर लूँ ये छिलकों से, तो फिर मैं दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये गुड़ हमने वो पीस ली है, इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे। ये बस मैंने 2 डाल दिए। तो ये मूंगफली जो है वो सब हमने छील ली है, तो मैं अब इसको चूल्हे पे चाशनी बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये बिल्कुल हल्के फ्लेम पे ना पकाना है गुड़, तेज़ आंच नहीं करनी। ये बनता है पिघलता है तो फिर मैं बताती हूँ। ये हमारा गुड़ जो है ना गैस पिघल गया, अब इसमें हम ना ये घी डाल देंगे। पक गए, अब इसमें 1 चुटकी ये इतनी सी ये सोडे की डालेंगे। उससे ये होता है इसका ना जो रंगत एक काल ब्लैक सी हो जाती है ना वो सफ़ेद हो जाएगी। अच्छा अब ये पक गया है, थोड़ा सा ना इसे हम देखेंगे ज़रा पानी में डाल के ना कि ये क्रंची है कि वैसे ही है। अभी ये नरम है ना, इसे थोड़ा सा और पकेंगे, जब ये शीशे की तरह टूटने लग जाए तो फिर समझें कि ये तैयार है। अभी थोड़ा सा और पकेगा। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है ना, अभी भी थोड़ा टाइम है। फिर डाल के देखते हैं।
थोड़ा सा टाइम है। इसको पकाना बिल्कुल हल्की आंच पे ही, आप देख लें कितनी हल्की आंच है। तो बस इसको बनाएं। सर्दियों में बच्चों को ये दें खाने को, बिल्कुल ठंड से उनकी बचत रहेगी। बच्चे खा भी शौक से लेते हैं। तिलों की भी बनानी हो तो इसी तरह ही बनानी है। अगर मूंगफली की, चनों की, ये देखें अब क्रिस्पी क्रिस्पी होने लग गया है। तो तिलों की भी आप बना के रखें, वो भी इसी तरह ही बनेगी। आप तिल डाल दें। ये देखिए अब ये ना क्रिस्पी सा हो गया है, इसका मतलब है ये बन गया है। इसमें हम ना मूंगफली डालेंगे। चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। कटिंग बोर्ड पे मैंने पहले घी लगा के रखा हुआ है, हम उसके ऊपर पलटेंगे तो साथ ही फिर इसको बनाते हैं। ऐसे ठंडा होना है आपने, और इसको बारीक करना है तो इसके ऊपर बेलना मारना है। थोड़ा सा ये ठंडा होता है फिर बेलना लगा के, तो फिर दिखाती हूँ मैं। काफी साबुन कर दे, थोड़ा सा जाएगा।
थोड़ा सा ठंडा नहीं हुआ। नीचे भी ज्यादा लग गया। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर ना इसको खाते हैं सब। ये हमारी चिक्की बन के तैयार हो गई है और ये बच्चों को आजकल बना के दें, ये बहुत अच्छी है, ठंड से भी बचे रहेंगे और ये जायके का एक जायका होता है। तो ये देखें कितनी अच्छी मज़े की बनती है। ये इसी तरह तिलों की बनती है, तिलों की भी मैं बना के डाल दूंगी। तो आप इसे बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।